सर जो बताएं एक बार सुनियो, मैं भी सुनूंगा आप भी सुनूंगा, ठीक है। आजकल ये आने लगे हैं हरे गाड़ियों में AW यूरिया, ये होता है मेन पोल्यूशन रोकने के लिए। जो गाड़ियाँ धुआं नहीं भगाती है ये ना भगाए, सबसे मेन पहले गाड़ियाँ धुआं देती थी, अब धुआं बंद हो गया है। किस लिए बंद हुआ है? इसकी वजह से बंद हुआ है। ये क्या पोल्यूशन नहीं फैलाता, पहले पोल्यूशन बढ़ गया था ज़्यादा, फैक्ट्री का पोल्यूशन ये कंट्रोल करने के लिए लगाया यूरिया। इसमें कम्युनिस्ट का भी यूरिया दिया है, वो नहर का भी दिया है, ये जो लगाया हुआ है ये 1920 मॉडल है अशोक लैंड की। ये होता है इट सिस्टम, ये लगाया इट सिस्टम इसका, फालतू का जो भी कचरा भी ये जला देगा, वहाँ बाहर नहीं बुलाएगा। इसकी गाड़ी चलने के बाद इसमें जो डस्ट हो जाता है तो उसकी लगती है रिजनरेशन, ये मतलब है कोई साफ सफाई वाली जगह पे लगती है, ये बहुत ज़्यादा आग फेंकता है इसके नीचे, मतलब 500 डिग्री तो आग पकड़ सकता है ये। सबसे मेन गाड़ियों में यही होता है, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए सबसे पहले यही चीज़ देखी जाएगी, यूरिया है नहीं है, यूरिया है तो लोकल है या बिल किसका है कैसे है, और ये इसमें सेंसर ओके है। सबसे मेन गाड़ी का सबसे मेन पार्ट अभी ये हो गया, इसमें सेंसर होते हैं, अलग अलग लगा चुके हैं, अंतरित क्या है टेम्परेचर सेंसर नॉक सेंसर सारे इसी के अंदर होते हैं। जितना भी नॉक सेंसर नॉक्स बढ़ाएगा पोल्यूशन बढ़ाएगा ना, सारा सेंसर ये बताएगा, सारी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होगी इस विषय कंट्रोल होगी, सारी जो फॉल्ट होगा सारा इशू पर कमांड देगा। इसमें क्या डलता है सर? इसमें एड टू डलता है सर, यूरिया डलता है, केमिकल होता है ताकि पोल्यूशन नहीं पड़े। देखो बेटा, जो खेतों में यूज करते हैं ना यूरिया, उसी के अंदर केमिकल मिला के और क्या कह रहे हैं पोल्यूशन को रोका जा रहा है, ठीक है। देखा होगा आपने गाड़ी, पहले जो गाड़ियाँ होती थी इतना धुआं देती थी, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये BS6 मॉडल है, ये सारी अच्छी मेन तो यही है अपना कि पोल्यूशन को रोकने के लिए होता है। आज वो इशू देखिए, मेन गाड़ी का पार्ट यही होता है, सारी कमांड इसी में देनी पूरी गाड़ी के बारे में, ठीक है ना, पूरी गाड़ी के बारे में कमांड देगा, कोई भी फॉल्ट होगा ये बताएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी गाड़ी में चलने की है, कोई बत्ती वगैरह कुछ भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट आएगा तो सारा सौदा इसी का है, इसी से गाड़ी चलेगी, इसी से होगा सब, ठीक है। ये गाड़ी का मेन इशू है दिमाग का, जैसे अपना दिमाग ये है ना, ये गाड़ी का दिमाग भी यही है, ठीक है ना, ये इशू होगा। कुछ और जानकारी लेनी हो तो पूछ लिया, और साथ साथ में वो देख लेना, कर देखेंगे तो बच्चों को और देख लो, जिसको देख लिया ना वो इधर आ जाओ, इसके बिना ना तो गाड़ी को तो रुक ये होता है महंगा। ऊपर लगे होता है ये, आ जाओ भैया जल्दी आओ, इस टाइप का मैंने बताया था, ये अपना कूलेंट है गाड़ी में, कूलेंट रेडिएटर में चलता है, इनसे सर पूछो ना कूलेंट का क्या काम है, थोड़ा आपको पूछ रहे हैं, इनसे पूछ लो सर, इनसे कूलेंट बताओ, कूलेंट किस काम आता है, क्या काम रेडिएटर में कोई कचरा वगैरह कुछ ना आना चाहिए, ये इसका रेडिएटर है, ये इसका CSC है, इसको कूलिंग सिस्टम होता है, और ये अपना स्टीयरिंग ये वाले के उसको इंजन को ठंडा रखता है, ये कूलिंग सिस्टम जो होता है ये अपना स्टीयरिंग बॉक्स, स्टीयरिंग जब टाइप करें ना सारा ऑयल से ऑटो उससे चलता है, आजकल तो इलेक्ट्रिकल आने लगे ना, अच्छा इसमें दो रेडिएटर है क्या सर? ये पहले रेडिएटर पीछे वाला था, ये CSC होता, पहले बाईपास हो गया इससे जाता है। जी सर ये वायरिंग मैकेनिक साहब थोड़ा सा तेज बोल लो, ठीक है ठीक है, ये अपनी वायरिंग है सारी इसी को, जो भी हर चीज़ की कमांड देगी हर चीज़, कोई नहीं इलेक्ट्रिकल यही होगा, ठीक है, अपना फोन वगैरह हो गया, ठीक
ये एयर की एयर कंडीशन की होती है, एयर फिल्टर होता है ना, एयर फिल्टर। ये गाड़ी का इंजन है, ठीक है, ये गाड़ी का पूरा इंजन है। ये इसको फिर इंजेक्टर होते हैं, इंजेक्टर होगा, ये स्प्रे करेंगे गाड़ी को, डीजल देंगे तब ये गाड़ी चलेगी। एक इंजेक्टर होगी, वायरिंग होगी, जब ये कमांड देगी कौन सी आएगी ना, ये कमांड देंगे तब ये डीजल फेंकेगी। ये रेडिएटर की ऑफ की पाइप होगी, ये होगी, ये अपना ईजीआर होगा। गाड़ी का गियर है वो डिफेंसल पीछे लास्ट में, और ये सा गियर इसकी सापट है। ये जो टैंक है ना, ये हवा के टैंक, एयर के टैंक है। गाड़ी को फॉल्ट आज कोई कटआउट ही है, इसको काटो, गाड़ी बंद कर दो, बैटरी एकदम चला जाएगा। स्टार्ट करंट चलेगा, छोड़ देगी गाड़ी का, करंट हो जाएगा बैटरी से, करंट जो डायरेक्ट होता है ना, इसको बंद कर दो, एक्सीलेटर को, एक्सीलेटर को बंद हो जाएगा, बिल्कुल गाड़ी ऑन नहीं होगी। ले